रोचक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ति एवं समस्त गंगवाल परिवार बारसोई हावड़ा। हम सभी आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी के वह पावन देशना का रेशमान कर रहे हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी निरंतर ही भक्ति की महिमा बतलाते हुए जीवन को भक्ति से जोड़ रहे हैं। निश्चित ही भक्ति हमें स्वयं से जोड़ती है। भक्ति ही एक ऐसा माध्यम है जो आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलन कराती है। भक्ति एक वह नौका है जो संसार समुद्र से पार कराती है। इसलिए यहाँ मानतुंग स्वामी गुणों का आराधन कर रहे हैं। गुणों का आराधन का लक्ष्य यही है कि हमारे अंदर के जो गुण हैं उनका प्रगटीकरण हो जाए। गुण जागृत करने के लिए हम गुणों का आराधन करते हैं। माध्यम है क्योंकि बात सही है कि परमात्मा के गुण परमात्मा में ही रहेंगे और मेरे आत्मा के गुण मेरे पास रहेंगे। एक भी गुण हम परमात्मा का नहीं ले सकते हैं और एक भी गुण हमारा कम भी नहीं हो सकता है। एक भी गुण प्लस भी नहीं हो सकता है, माइनस भी नहीं हो सकता है। तो प्रश्न ये है कि जब प्लस माइनस नहीं हो सकता है तो फिर क्या आवश्यकता है? ये बात सही है कि नहीं हो सकता है? गुरु शिष्य को पढ़ाते तो क्या गुरु का ज्ञान शिष्य में जाता है? तो क्या शिष्य बिना गुरु के ज्ञानी हो जाता है? क्या गुरु होने पर शिष्य ज्ञानी होता है? अगर गुरु होने पर शिष्य ज्ञानी हो तो सब शिष्यों को ज्ञानी होना चाहिए। टीचर पढ़ाते हैं, जितने विद्यार्थी हैं सभी को अव्वल दर्जे में पहुंचना चाहिए, योग्य होना चाहिए, तभी सभी विद्या में निष्णात हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं होता है। क्या सभी टॉपर नहीं होते? पढ़ाने वाले तो वही टीचर है, टॉपर सभी नहीं होते, टॉपर कोई और होता है। तो गुरु ने क्या किया? क्या किया गुरु ने? और गुरु ना हो तो जो टॉपर है वो टॉपर होगा क्या? नहीं होगा। ध्यान दीजिए, तो भगवान है, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो क्या भगवान के माध्यम से हमें विशुद्धि मिलेगी कि भगवान देंगे बिटल्लो या वितरकता आपको देंगे, सुमत ज्ञानी आइए लीजिए वितरकता? क्या होगा? ये सभी प्रश्न एक साथ, सब कुछ निमित्त उपादान है। क्या है?
ये निमित्त उपादान है, कार्य कारण संबंध भी है। तुम ही निमित्त कारण इलाज, पढ़ते हैं कहां पर सुनील भैया? तुम ही निमित्त कारण इलाज, आप निमित्त कारण है इलाज, आप निमित्त कारणों से हमारा इलाज होता है। दर्शन पाठ करते हैं ना आप लोग, पढ़ते हो शकल गे, उस दर्शन पाठ में रहस्य है, पढ़ा करो। जब भगवान का दर्शन करते हैं पढ़ना चाहिए, तो वहां पर आचार्य कह रहे हैं तुम ही कारण निमित्त इलाज, कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कि प्रभु आप निमित्त कारण है हमारे उपादान को जगाने के लिए। किसके लिए? उपादान को जगाने के लिए निमित्त कारण है। वैसे ही गुरु शिष्य के लिए निमित्त कारण है, उसके उपादान को जगाने के लिए। जिसका उपादान जग जाता है उसके लिए निमित्त कारण हो जाते हैं, जिसका उपादान नहीं जगता है उसके लिए निमित्त निमित्त भी नहीं होते हैं। तीर्थंकर की रचना एक निमित्त है, समोषण में बैठी 12 सभा लगी हुई है, किसी जीव ने सम्यक को प्राप्त कर लिया, उसके लिए सम्यक की प्राप्ति में निमित्त कारण होगा। किसी ने देश व्रत को धारण कर लिया उसके लिए देश व्रत के रूप में, और किसी ने निर्गंध महाव्रत को धारण कर लिया उसके लिए उस निमित्त कारण हुए। जो जो उपादान सक्रिय हो रहा है वो निमित्त से ही सक्रिय हो रहा है, लेकिन जो जो उपान परिणत हुआ निमित्त के कारण हुआ, और जो नहीं हुआ उसके लिए निमित्त निमित्त रूप में नहीं हुआ। भावों की दशा चाहिए, निमित्त कारकर है उपादान को जगाने के लिए। निमित्त का स्थान निमित्त रूप में है, उपादान का स्थान उपादान के रूप में है। बहिरंग कारण और अंतरंग कारण दोनों मिलने से ही कार्य की सिद्धि होती है। सिर्फ बहिरंग कारण से नहीं होते हैं और सिर्फ अंतरंग कारण से भी नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर हम चाहें तो हम निमित्तों को अलग कर दें, निमित्त क्या करता है कुछ नहीं करता है, तो भी काम नहीं बनने वाला। अगर निमित्त कुछ नहीं करता है तो आप के लिए भी मंदिर की आवश्यकता ही नहीं है, पूजन करने की आवश्यकता नहीं है। निमित्त कुछ नहीं करता है तो पूजन करने की भी आवश्यकता नहीं है और भोजन करने की भी आवश्यकता नहीं है, नहीं है ना? निमित्त कुछ नहीं करता है तो गुरुओं की भी आवश्यकता नहीं है, और निमित्त कुछ भी नहीं करता है तो ग्रंथों की भी आवश्यकता नहीं है, स्वाध्याय की भी बात करने की आवश्यकता नहीं है, और निमित्त कुछ नहीं करता ये कहने की भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब निमित्त कुछ करता ही नहीं है तो फिर एक कहना भी शब्दात्मक निमित्त कुछ नहीं करता है, इस निमित्त की भी चर्चा नहीं करना चाहिए कि निमित्त कुछ नहीं करता है, ये शब्द भी निमित्त ही हुआ, इसलिए ये भी कहने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, निमित्त कुछ नहीं करता है तो संसार के कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, सबका अभाव हो जाएगा, सबका अभाव, लोक व्यवस्था भंग हो जाएगी, परमात्मा व्यवस्था भी भंग हो जाएगी, सारी व्यवस्थाएं अनुपस्थित हो जाएंगे। अगर हम इस सर्वथा कथन करके बैठ जाते हैं, इसलिए निमित्त निमित्त की जगह कार्य करता है। बहिरंग कारण होता है,
बहिरंग कारण प्लस अंतरंग कारण इज इक्वल टू कार्य सिद्धि। ये कार्य सिद्धि का सूत्र है। हमारे विशुद्धि के निमित्त हैं परमात्मा, आत्मा के विशुद्धि को जगाने में निमित्त होते हैं, निमित्त होते हैं। इवास से गुरु प्रेरक होते हैं, प्रेरणा देते हैं। अगर गुरु कुछ नहीं करते हैं तो ध्यान रखना, अगर वो संस्कार नहीं देंगे तो आप मुनि नहीं कहलाएंगे। गुरु संस्कार ना दें और आप वस्त्रों को उतार दो, आपको कोई मुनि कहेगा? नंगा बोलेगा, मुनि तो नहीं बोलेगा। लेकिन जैसे ही संस्कार हो जाते उस समय फिर नमोस्तु शुरू हो जाएगा, भू स्वामी नमोस्तु, परमेष्ठी हो गए। प्रतिमा में गुरु संस्कार ना करें तब तक प्रतिमा पूजने नहीं है। और वही जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा सौर मंत्र हो जाता है वो अरिहंत जिनबिंब हो जाते हैं, वंदने हो जाते हैं, पूजने हो जाते हैं। निमित्त का प्रभाव, इसलिए निमित्त कारण है। दर्शन मोहिनी का उपसम छे उपसम करने में निमित्त कारण है। जिन बिंब दर्शन का उल्लेख इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है, जिन भक्ति का उल्लेख किया गया है, धर्मोपदेश का उल्लेख किया गया है, देशना का भी कारण बनाया गया है, फिर तो निमित्त ही नहीं है तो बारह सभा लगना ही नहीं चाहिए। दिव्य धुनी सुनने की फिर क्या आवश्यकता है? पूरा इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हाँ, निमित्त कारगर होता है, लेकिन उन जीवों के लिए, उन जीवों के लिए जो अपनी प्रज्ञा को जगाना चाहते हैं, उन जीवों के लिए जागना चाहते हैं, जो जागना चाहते हैं उन जीवों के लिए आपने स्वाध्याय किया, आपने तत्व चिंतन किया। उन जीवों के लिए आप तत्व चिंतन ही ना करें, सुन लें और सुनने के बाद यहीं पर बैठ करके आप छोड़ करके चले जाएं सही बोल करके, तो फिर उन जीवों के लिए कुछ भी नहीं है। गुरु ने पढ़ाया और उस बात पर हम ध्यान ना दें तो फिर हमारे जीवन में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसलिए गुरु जो प्रेरणा देते हैं उसको स्वीकार करना पड़ेगा। शिष्य वंचता है, वन जाता है, ये बात सही है। अगर मिट्टी कहे कि नहीं हमें कुछ नहीं करना है तो मिट्टी कभी घड़ा नहीं बन सकते। मिट्टी के अंदर भी संकल्प आता है और गुरु निमित्त बनते हैं और वो जैसा गुरु कुंभकार मिट्टी के लिए जिस रूप में ढालता है उस रूप में ढलने के लिए तैयार होते जाते हैं। साधना से गुजरना पड़ता है, मिट्टी को गलना भी पड़ता है, सहन भी करना पड़ता है सब कुछ, और सूर्य के किरणों के तपन को भी स्वीकार करना पड़ता है, सर्दी गर्मी को भी स्वीकार करना पड़ता है, और फिर अग्नि में तपना भी पड़ता है, तब कहीं जाकर के मिट्टी घड़ा बनती है, घट का आकार होता है उसमें और वो घड़ा बन जाती है, और घड़ा को हम उच्चासन दे देते हैं। क्या देते हैं? उच्चासन दे दिया करते हैं, वही मंगल घट हो जाता है। घट यात्रा में हम घट यात्रा भी निकाल देते हैं, मांगलिक घट माने जाते हैं। वो मिट्टी मंगल कैसे बन गए? उसके पहले तो मिट्टी पद्दलित हो रही थी, वही मिट्टी पद्दलित हो रही थी, लेकिन निमित्त पाकर के वही मिट्टी
आज घट का रूप धारण कर लिए हैं। कभी स्वर्ण पाषाण पड़ा हुआ था और वही शिकार का निमित्त पा करके आज वो स्वर्णवन स्वर्ण हो गया, वही पाषाण शिल्पीकार का निमित्त पा करके पाषाण मूर्ति बन गया, मूर्ति बन गया। वो तो पड़ा हुआ था कब से, लेकिन शिल्पीकार का निमित्त बना। ऐसे ही गुरु का निमित्त जिसको मिल जाता है उस शिष्य की कायाकल्प परिवर्तन हो जाता है। गुरु कहाँ से कहाँ तुम्हें बैठा देते हैं, कहाँ से कहाँ बना देते हैं, एक परमेष्ठी पद पर विराजमान करा देते हैं। एक हम जब निमित्त की चर्चा करते हैं तो निमित्त है, कहने का मतलब ये है भक्ति ही ऐसे निमित्त है। क्या है? भक्ति भी निमित्त है, भगवान की आराधना एक निमित्त है, भावों की विशुद्धि के लिए, अपने अंदर के विशुद्धि के लिए, अपनी शक्ति को प्रकट करने के लिए। शक्ति का प्रकटीकरण, हमारे अंदर पावर है लेकिन उस पावर को हम भूले हुए हैं, विस्मृत हैं। हमारे अंदर ऊर्जा भरी है लेकिन हम ऊर्जा को भूले हुए हैं, इन सब से हम दूर हैं। लेकिन गुरु जगाते हैं कि नहीं, तुम भी गॉड, तुम परमात्मा हो। तुम क्या हो? तुम परमात्मा हो, तुम्हारे अंदर परमात्मा बनने की शक्ति है। और जब कोई जगाता है कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ सम्मिलित हो गई हो, तुम भेड़ों में मिल गए हो, तुम स्यार में जाकर के संगति कर ली है और तुम भूल गए हो सिंह का बालक। किसका? वह सिंह का बच्चा, लेकिन संगति स्यार की संगति, और स्यार की संगति में वो भूल गया अपने रूप को, रंग को, स्वरूप को, अपने पावर को, सबको भूल बैठा। और वो तो वही सोच रहा था मैं भी स्यार हूं, तो सब कुछ चर्या जो क्रिया प्रतिक्रिया है वो स्यार की है। अचानक एक सिंह ने देख लिया, इसने एक सिंह ने देख लिया कि स्यारों के बीच में इस सिंह का बच्चा। ओहो, निश्चित ही संगति का असर है। पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार बारसोई हावड़ा।